मेडिटेशन साधना टेक्निक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम ब्रह्म मुहूर्त ध्यान साधकों को कुछ सेशन फ्री में भी करा रहे हैं और पेड बैचेस भी करा रहे हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसका सिर्फ कुछ समर्पित साधक और साधिकाएं, विशेषकर साधिकाएं हमारे साथ हैं, जिस कारण ये कार्य जल्दी संपन्न होगा, ऐसी महागुरुओं से प्रार्थना है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में और ऑनलाइन ध्यान में साधकों को कैसा लगता है, क्या अनुभव होते हैं? काफी साधक हमसे पूछते हैं जो बैचेस को ज्वाइन नहीं कर पाते कि क्या होता है। तो आइए, हमने अपने कुछ ही साधकों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि ध्यान क्या होता है और वो कहां भटक रहे थे और आप उनको वो प्राप्त हुआ। ऐसे सैकड़ों अनुभव हमारे पास हैं, लेकिन हम वीडियोस को बहुत लंबा नहीं कर, कुछ अनुभव आपको दे रहे हैं, आप सुने। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ साधक ऑनलाइन सीख रहे हैं, वो ऑनलाइन ध्यान सीख रहे हैं, वो ध्यान के अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान सीख रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि देखिए कित तक साथ में ध्यान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ध्यान के विषय में जो हमने एक मिशन चलाया है, उसको आगे बढ़ाने में सभी साधक हमारी मदद कर रहे हैं। आज जल्दी उस मुकाम पे पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहता है। आइए, आनंद लीजिए साधकों के अनुभव का। महागुरु की पूरी टीम को प्रणाम। मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं भारत पंजाब से हूं। मैं दुबई जॉब करता हूं एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। मैं 1.5 महीना पहले मिला था, मैंने इनका ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया जो अभी तक काफी अच्छा फायदेमंद साबित हुआ है। कुछ शुरुआती एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो काफी अच्छे हैं और यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। जैसे हमारी बैठक जो फाउंडेशन स्टोन है, उसको कैसे हम ठीक करें, कैसे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी हम ध्यान में उतर पाएंगे। और क्या खाना पीना होना चाहिए आपका, उस पर भी बात होती है बाद में। और आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस पर काफी अच्छे नियम हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए और हम फॉलो कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये सब मैं आगे भी फॉलो करता रहूं। बड़े सिंपल से नियम हैं, हमें मस्त रहना चाहिए। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो मस्त है उसके पास समस्त है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत राउत्रा है और मैं बिश्केक किर्गिस्तान यहाँ पे MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे ऑनलाइन ध्यान सीखना था, इसलिए मैं जी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से कांटेक्ट किया उनसे और ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया। तो मुझे ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करके अभी 1 महीना हुआ है, पर मुझे बहुत मतलब एक बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब खुद में मुझे बहुत अच्छे बदलाव दिखाई दिए 1 महीने में ही। और ये सिर्फ आशीष गुरु जी वजह से हुआ, क्योंकि इसके पहले भी मैं ध्यान करता था, मतलब ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने के 1-2 महीने पहले से मैं ध्यान कर रहा था, पर मुझे कुछ ऐसे कुछ बदलाव दिखाई नहीं दिए और कुछ अच्छा फील भी नहीं हुआ। जब से मैंने ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया है, तब से मतलब एक अच्छी फीलिंग्स भी आती है और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और जैसे जैसे आशीष गुरु नियम बताए, उन नियमों का फॉलो करके मेरे ध्यान में बहुत प्रगति हुई। ये मुझे कुछ फील हो रहा है अभी 1 महीने में, और उनके साथ ध्यान करके बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा दिल्ली से, और मैंने मेडिटेशन जूम पे ज्वाइन किया है। और जो उनके आशीष जी सर हैं, बहुत अच्छे से हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। 15 दिन का मेरा बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है इसमें। एक तो मेरे ध्यान में स्थिरता आ गई है और मेरा ध्यान भी बहुत अच्छे से लगने लग गया है। और जो हमारे इसके योग के और मेडिटेशन के जो हमारे डाउट्स थे, उसको क्लियर करते हैं। और आशीष जी भी बहुत अच्छे से हमें मेडिटेशन कराते हैं, और जूम पे उनका सेशन होता है और वो हमारे पोस्चर्स बहुत अच्छे से देखते हैं। और बहुत अच्छे से, अगर हम कहीं पे गलत होते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हमें वो हमारे पोस्चर्स का करेक्शन कराते हैं, बहुत अच्छे से हमें सिखाते हैं। और इसीलिए 15 दिन का मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। मेरे काफ़ी डाउट्स थे, काफ़ी क्लियर किए,
और ब्रह्म मुहूर्त का यह है कि अब मैं एक मुझे आनंद आने लग गया है ध्यान करने में, और बहुत वो रहता है कि हाँ मैं सुबह हो मैं ध्यान पे बैठूं और मैं ध्यान करूं, और पूरा ग्रुप बैठे और हम बहुत अच्छे से हर एक साधक के साथ वो बहुत अच्छे से ये हमें ब्रह्म मुहूर्त का सेशन करा रहे हैं। और बाकी जो नए साधक आना चाहते हैं मैं उनसे भी ये कहूँगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ, और आप अगर मेडिटेशन में जाना चाहते हैं तो बहुत आगे जाएंगे उनके साथ, क्योंकि आशीष जी बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं इसके लिए। और इस चीज़ के आशीष जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सर। नमस्ते, मैं शंकर कुमार फ्रॉम बेंगलोर से, बेंगलोर कर्नाटका। मैं ध्यान के बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं ध्यान तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, मैं करीब 10-15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन होता है ना जैसे अंधेरे में तीर मारना, बस कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस घंटों बैठे जा रहा हूँ, ना उसका और है ना छोर है, कैसे करना है क्या सोचना है। कभी कुछ कुछ वीडियो देखा तो वो आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है, कभी यहाँ ध्यान, कभी ब्रीथ पे ध्यान करना है, कभी अपने अंदर ओम का उच्चारण सुनना है, ऐसे ही कुछ 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 भटक रहे थे अंधेरे में मैं इधर उधर। लेकिन जब से मैं एडमिशन लिया हूँ, मैं आप लोग के साथ आप लोग के संसर्ग में आया हूँ, तब से मुझे ये पता चला कि ध्यान कहते किसे हैं और ध्यान करते कैसे हैं। मैं धन हो गया, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं तो अगर आप लोग से मैं 10 साल पहले मिला होता, 10 साल पहले से अगर हम आपके साथ अगर ध्यान किए होते तो आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना, जिस पोजीशन में बैठा हूँ, जिस सिटी में, यहाँ नहीं होता, आज मैं कुछ बेटर वे में मैं होता तो मैं तो सरप्राइज हूँ। खैर, देर आए दुरुस्त है, अब आप लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, अब आप लोग को तो इस जन्म में आप लोग को मैं छोड़ने से रहा, पैर पकड़ लिया हूँ मैं आपको एकदम कंटिन्यूसली। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आशीष गुरु जी आप व्हाट्सअप करते हैं कि आज ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है, मैं तो सरप्राइज हो जाता, वाह मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला ना कि मैं क्या बताऊँ, हमारे लिए एक जीवन दाता जैसा होता है। मैं जिस दिन ध्यान नहीं करूँ ना तो मैं पूरी दिन ऐसे ऐसे सूस जैसा होता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर निकाल लिया हो मेरे दिमाग से। लेकिन जहाँ मैं ध्यान करता हूँ ना, अगर ध्यान अच्छा लग गया ना तो उस दिन तो मैं लगता है कि एकदम टारगेट अचीव कर लूँगा आज का आज। तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो सरप्राइज हूँ। काश आप लोग मुझे पहले मिले होते, देर से मिले, लेकिन खैर देर है दुरुस्त है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अब आप लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, मुझे हरियाणा में आना पड़े, चाहे आपके साथ आना पड़े, घर आना पड़े, लेकिन आप लोग को मैं इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सरप्राइज हूँ, कहाँ थे आप, मैं कहाँ भटक रहा था इस अंधेरी नगरी में। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट मनोज बिराजदार है, महाराष्ट्र के लातूर जिले से हूँ। मैं ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन ध्यान कैसा करना चाहिए, किस स्थिति में बैठना चाहिए, श्वास कैसे रोकना चाहिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ध्यान करना कर रहा था, लेकिन मुझे जितनी सफलता चाहिए उतनी सफलता मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से मैंने ये मेडिटेशन के माध्यम से, आशीष जी के माध्यम से, मुझे बहुत अच्छी जानकारी यहाँ मेडिटेशन के बारे में मुझे मिल रही है। उनके सानिध्य में मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने लगा हूँ। योग निद्रा के बारे में मैंने सुना था, लेकिन योग निद्रा भी आशीष जी के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, और जिससे मुझे बहुत सारा फायदा मिला है, और आगे चल के मुझे इसमें बहुत सारी सफलता मिलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मेरा नाम राजू प्रजापति, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने बहुत वीडियो देखे हैं गुरु जी के, कभी रात को नींद नहीं आना, टेंशन पे रहना, दिमाग इतना टेंशन में रहता था, अच्छा नहीं लगता, हमेशा चिड़चिड़ापन, गुस्सापन। एक चीज़ ये फ़ायदा हुआ मेरा सबसे ज़्यादा कि पूरा दिमाग ही ठंडा हो गया, गुस्सा ही नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी
किसी इंसान को जब जीवन में जब तक शांति ना मिले सब कुछ बेकार है। मेरे साथ जीवन में और भी कष्ट है, अभी तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी तो मैं जस्ट अभी शुरू किए हुए मेरा 13 दिन हुआ है। 13 दिन में मुझे इतना फ़ायदा मिले हैं कि जीवन पूरा शांति हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि मेडिटेशन करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे अब रास्ता अपना सारा दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस मेडिटेशन करके। धन्यवाद। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं।